सभी लोगों को राम राम, जय माता दी, कालों की काल महाकाली की जय हो, मरघट वाली की जय हो, शमशान वासिनी की जय हो। मेरे दोस्तों, मैं हूं राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, और आप देख रहे हैं भगत जी के टोने टोटके। आज मैं आपको बताऊंगा मोहिनी इत्र क्या होता है, इसके लगाने से क्या फायदे हैं और ये कितना प्रभावशाली है। मेरे दोस्तों, यदि आप किसी से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो मोहिनी इत्र का इस्तेमाल एक बार आप जरूर करें। चमत्कार को नमस्कार किसे कहते हैं ये आप खुद देखेंगे और अनुभव करेंगे। मेरे दोस्तों, अंधविश्वास जब तक होता है जब तक खुद पर ना बीते हैं। अनुभव, किसी भी चीज का अनुभव करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। जब तक हम किसी चीज को इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका लाभ हानि कैसे पता चलेगी। तो मेरे दोस्तों, अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, मोहिनी इत्र मंत्रों द्वारा तैयार किया जाता है, मगर मेरे दोस्तों, इसको आप जब भी इस्तेमाल करें, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी को लाइक करते हैं और आपके बीच में झगड़े रहते हैं, तनाव रहता है और सामने वाला व्यक्ति आपको उतना अधिक प्यार नहीं करता जितना आप उसे करते हैं, तो मेरे दोस्तों ये देखिए, इसको मोहिनी इत्र बोलते हैं। अभी आप देख रहे हैं, इसको मोहिनी इत्र बोलते हैं। मेरे दोस्तों, इसको मंत्रों द्वारा तैयार किया जाता है, माता काली के माध्यम से, भैरव बाबा के माध्यम से, बुलाकी बाबा के माध्यम से, मसानी माता के माध्यम से, मंत्रों द्वारा सिद्ध कर इसकी जो शक्ति होती है, आपने देखा होगा मेरे दोस्तों, जब आप कहीं मंदिर में जाते हैं, देवी देवताओं पर भी इत्र लगाया जाता है। किस लिए लगाया जाता है? शक्तियां, इत्र लगाने से शक्तियां जागृत होती हैं। आप कभी पीर दरगाह पे गए हैं, आपने देखा होगा कई दरगाहों पर इत्र चढ़ाया जाता है। किस लिए चढ़ाया जाता है? शक्तियों को जागृत करने के लिए। कई ऐसे देवी देवता हैं जिनके ऊपर इत्र लगाया जाता है। मेरे दोस्तों, शक्तियां जागृत होती हैं और जो लोग सिद्ध पुरुष होते हैं, जिनके पास शक्तियां होती हैं, वो भी इत्र का इस्तेमाल करते हैं। मैं खुद लगाता हूं, बाबा बुलाकी का, भैरव बाबा का। मेरे दोस्तों, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, वो आपको इतना भाव नहीं देता, तो आप इस इत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लगाने के बाद जब आप लगाकर जाएंगे, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपकी प्रेमिका हो, आपके बीच में मोहब्बतें, प्यार ज्यादा बढ़ने लगेगा। सामने वाला व्यक्ति आपको ज्यादा प्यार करने लगेगा, पहले से ज्यादा। मगर मेरे दोस्तों, अगर आप लड़ाई कर लिया आपने, माहौल खराब कर लिया और आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसका असर उतना नहीं हो पाएगा। यानी कि किसी भी चीज के लिए माहौल की आवश्यकता होती है, शांति की आवश्यकता होती है। यानी कि तूफान में दिए नहीं जलाए जाते, बरसात में दिए नहीं जलाए जाते। मेरे दोस्तों, आपके बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो, शांति हो, आप इसे लगा के जाएंगे तो मेरे दोस्तों, आप एक शक्ति का अनुभव करेंगे, एक ताकत का अनुभव करेंगे और सामने वाला आपको बेहद प्यार करने लगेगा, उम्मीद से ज्यादा।
आगे मैं कुछ नहीं कह सकता, इसको आप इस्तेमाल कीजिए और अनुभव देखिए। आप कहीं मिलने जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, बाहर घूमते हैं, पिक्चर देखने आते हैं, यानी कहीं भी जाइए, इसको लगा के जाइए और फिर देखिए कि क्या होता है। सामने वाला आपके और नज़दीक आने लगेगा, आपको प्यार भरी बातें करने लगेगा, यानी कि आगे आप खुद समझदार हैं, माहौल बनने लगेगा प्यार मोहब्बत का। वो कहाँ तक जाएगा वो आपके सीन सिचुएशन के ऊपर है कि आप अपने प्यार को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। मगर मेरे दोस्तों, किसी को धोखा ना दें। अगर प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, तो उसे अपना जीवन साथी बनाएं, अपना हमदर्द बनाएं, उसे कोई भी बात छुपा कर ना चलें, सही बताकर चलें, तो आपका रिश्ता लंबा चलेगा, अच्छा चलेगा। मोहिनी इत्र लगाते ही आप एक ऐसा अनुभव करेंगे जो सपने में भी नहीं सोचा होगा। मेरे दोस्तों, मंत्र द्वारा ये सिद्ध किया जाता है, ये आपको कोरियर द्वारा भी आप इसे मंगा सकते हैं। हिंदुस्तान के यदि आप किसी भी कोने में रहते हैं, ये आपको कोरियर द्वारा भेज दिया जाएगा। इसे इस्तेमाल करने के लिए कुछ उपायों की आवश्यकता होती है, वो मैं आपको जब ही बताऊंगा जब आप इसको मंगाएंगे। मेरे दोस्तों, उसके लिए क्या करना पड़ता है थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। इसे इस्तेमाल करने से पहले आपको दो नींबू लेने पड़ेंगे, इस तरह के, अभी आप देख रहे हैं, दो नींबू लेना है। नींबू के ऊपर अपना और उसका नाम लिख देना है। उसके बाद जब अमावस्या आएगी या पूर्णमासी आएगी, उन नींबू को ले जाकर आपको पीपल के नीचे रख देना है, और उसके बाद ये मोहिनी इत्र लगाकर आपको जाना है। शाम को आने के बाद एक उपाय और करना पड़ेगा, वो मैं आपको जब ही बताऊंगा जब आप इसको मंगाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मंगा कर देखिए, अगर मजा ना आए तो कहना। उम्मीद से ज़्यादा सामने वाला आपसे प्यार करने लगेगा, आपके बीच में जो तनाव चलता है वो कम हो जाएगा। अगर आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती लड़ेंगे, माहौल खराब करेंगे, यानी कि प्यार दोनों तरफ होना चाहिए, समझ दोनों तरफ होनी चाहिए, तभी प्यार आपका अच्छा चलेगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, जल्दी से आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 85 27 23 36, नीचे आप मेरा नंबर देख रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, ये मोहिनी इत्र मंगाने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और अगली वीडियो भी मैं आपको बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूं। बुराकी बाबा का इत्र बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रभावशाली, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जुड़े रहिए भगत जी के साथ। मेरे दोस्तों, हमारे यहाँ कोई भी किसी भी तरह का कोई ट्रिक इस्तेमाल नहीं की जाती, कोई ढोंग नहीं किया जाता, सच्चाई बताई जाएगी। अब इन सब बातों को मानना या ना मानना, ये आप पर निर्भर है। मेरे दोस्तों, आस्था और विश्वास का कोई प्रूफ नहीं होता। अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए, और फिर चमत्कार देखिए। तो मोहिनी इत्र मंगाने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जब तक के लिए राम राम, जय श्री राम, जय माता दी।